हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव कुमार मिश्रा। आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स रेजोनेंस पीसी सीपी डिवीजन। वेलकम डियर स्टूडेंट टू दिस फोर्थ लेक्चर मॉड्यूल ऑन दिस लाइट। ओके, टुडे आई विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर, लेक्चर नंबर 4, स्फेरिकल मिरर। ओके, सो स्टार्ट। क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? ठीक है, और वन बाय वन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वो सब डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ओके, दीज आर द टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? मैंने फिगर में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। पहले आप देख लीजिए व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में इनर सरफेस, आप देख सकते हैं इसको क्या किया गया है, सिल्वर्ड किया गया है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर सरफेस। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल, यहाँ से इसका एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसी का एक पार्ट है ये। ठीक है, ओपेक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर बल्ज सरफेस, बल्जिंग है ना, इस सिल्वर्ड, जो आउटर सरफेस है इसका वो क्या होता है, ये देखिए सिल्वर्ड, बाहर से ओपेक, ये जो बनाया गया है आपका ओपेक, ठीक है, बल्जिंग आउटवर्ड, उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये उभरा हुआ, ये बाहर वाला सरफेस। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इनर हालो, है ना, इनर हालो सरफेस पे, जो केव टाइप का है ना, ये वाला देखिए आप केव टाइप का जो बना हुआ है, ऐसे रिफ्लेक्शन इस पे होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, तो दो टाइप का ही इसमें सरफेस हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आपका आउटर, ठीक है, और इनर। तो आउटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर सरफेस पे सिल्वर किया गया है ना, और यहाँ पे आउटर सरफेस पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से, उसको हम लोग देखते हैं। पहले बात करते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद में क्या बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फिर ये देख पा रहे होंगे आप लोग ये सिल्वर कोटिंग दिखाई गई है इस मिरर की, यहाँ पे भी सिल्वर कोटिंग है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, बाहर से सिल्वर किया जा रहा है ना, और इनसाइड इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, केव टाइप होता है ना, केव टाइप, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और यहाँ पे आउटसाइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, लगभग सभी टर्मिनोलॉजी सेम ही रहेंगी, बस आप देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस उसमें ये सेम है और इसमें भी सेम ही रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेयर का रेडियस है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर, स्फेयर का सेंटर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं। पोल क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सेंट्रल पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? पोल, यहाँ पे है ना सेंट्रल पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर इज ए पार्ट ऑफ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस सरफेस का पार्ट है स्फीयर, मिरर इज ए पार्ट है ना, स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है? सी पे है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशंस देख ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज द मिरर, विच द मिरर इज ए पार्ट कॉल द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको क्या है अपर्चर। यहाँ पे साइज ऑफ द मिरर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अपर्चर है। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। तो पहले देखते रहे, मैंने कलर भी किया हुआ है कुछ पॉइंट्स को, कुछ वर्ड्स को, देखते रहे। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, है ना। आपको चित्र भी मैं दिखा दूंगा, ये देखिए, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना, इस मिरर पे जा करके क्या कर रही है? इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होती है? फोकस से। ठीक है, अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे लेकिन आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मिरर पे इंसिडेंट हुई, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ऐसे जैसे मान लीजिए ये बीम आ रही है, ये बीम समझने की कोशिश करिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये बात है ना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वापस हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, अपीयर टू मीट एट फोकस। ओके, अब आपको समझ में आएगा, देख लीजिए। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट पे फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट एफ इज द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, यही पॉइंट जहां पे कन्वर्ज करती है रेज उसको क्या बोलते हैं? फोकस, है ना। और इट इज ए रियल, है ना, रियल होता है। इस पे आप देख लीजिए, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, जो भी सरफेस है, सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? डाइवर्जेज एंड डू नॉट मीट, डाइवर्जेज एंड रेज डू नॉट मीट। हाउएवर ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, जब उन रेज को प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, द रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। बैक प्रोड्यूस करके जब रेज को मिलाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, रिफ्लेक्शन तो यहाँ हुआ लेकिन रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, तो अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? फोकस, है ना। और ये कैसा है? वर्चुअल है, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, है ना। बीम ऑफ पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस या मीटिंग, यहाँ पे, है ना, ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है आप देख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे अगर पोल में बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, तो ये फोकस और इनके बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर ले लूं,
तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल प्लेन, ए प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना, रूल्स फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली पासेस आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है, समझते हैं। ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हुई यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना। तो देखिए, इसके सामने फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, फोकस, ठीक है, तो यहाँ से इस फोकस से रियली में पास हो रही है ना, रियली में पास हो रही है कॉनकेव, ठीक है, एक्चुअली पासेस, वही मैंने लिखा, एक्चुअली पासेस कहाँ से एक्चुअली पास करेंगी, कॉनकेव मिरर में, एंड अपीयर टू पास कॉन्वेक्स, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस देख रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट दिखाया जा रहा है, डायरेक्शन ऐसे है, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, फोकस यहाँ पे कहीं होगा, तो फिर वही लिखा अपीयर टू, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, अपीयर टू पास कॉन्वेक्स थ्रू द फोकस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर टू पास, अपीयर टू पास, और यहाँ पे एक्चुअली पास कर रही है ना, या रियली पास कर रही है, एक्चुअली पासेस, एक्चुअल में पास करेंगे, तो ये कॉनकेव मिरर का फोकस है दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे अपीयर टू पास होता है कॉन्वेक्स में, है ना, ये कॉन्वेक्स लिखा हुआ, ओके, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या याद रखना है, ए रे ऑफ लाइट, सिंपल अगर करते हैं, दोनों को कॉमन करते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए आप, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, कॉनकेव है तो क्या होगा, रियल में पास करेगा, और यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो अपीयर टू पास, है ना। नेक्स्ट, ए रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिखाया गया ना, रे इंसिडेंट कर रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फॉल्स नॉर्मली, ये पॉइंट नॉर्मली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, नॉर्मली एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक एलॉन्ग द सेम पाथ, है ना, कलर चेंज हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड बैक एलॉन्ग द सेम पाथ, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे नॉर्मली फॉल्स होती है, तो ये देख लीजिए, ये रे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, रेट्रेस विथ इट्स ओरिजिनल, जहां से आई थी उसी पे लौट गई सेम पाथ पे, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, ये वाला इस मिरर पे देख लीजिए, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका आउटर में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, अरे यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी, ठीक है, ये देखिए डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है, ठीक, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एरे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाएगा,
अगर मान लीजिए फोकस से पास हो रही है बीम आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, फोकस की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है दिखाया जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं टू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेज कैसे बनाएंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर में, तो ये रूल्स याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इमेज को कैसे फॉर्म होगी डिस्कस करते चलेंगे, और बहुत सिंपलीफाइड वे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई कन्वेक्स मिरर, पहले कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, है ना, कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। When the object is placed at infinity, then image is formed at focus. है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पे बन रही है। द इमेज इज, इमेज नेचर क्या होगा, वर्चुअल, है ना, इरेक्ट होगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, रे आ रही है, नॉर्मली फोकस की तरफ अगर आएंगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपीयर टू मीट होगी तो क्या होता है, उसी पाथ पे वापस लौट जाती हैं। ठीक है, या अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं और सिंपलीफाइड वे में, तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस मैं ले लेता हूँ, ठीक है, सरफेस, ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ओके, मान लीजिए पैरेलल बीम आ रही है, एक बीम और ले लेता हूँ, एक रे ऑफ लाइट, दो रे मैंने ले लिया, एक ये, है ना, बहुत सारी रे मिल जाती हैं तो बीम हो जाती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपका फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे, फोकस से पास होना चाहिए था ना, लेकिन मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऐसे फोकस से पास होना चाहिए था लेकिन तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ज कर रही, तो मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये रे मिल रही हैं, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, आप देख पा रहे होंगे इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, और इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, अभी आपने देखा वर्चुअल बन रहा है ना, और क्या नेचर है इमेज का, इरेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, आप लोग देख पा रहे होंगे ये फोकस। ठीक है, नेक्स्ट, When the object is placed at between infinity and pole, ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ओके, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, इमेज कहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट पहले देख लीजिए आप, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है। ठीक है, एंड इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पे, इमेज बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रही है, और नेचर क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया भी गया है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी आप रख सकते हैं, है ना, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एनी वेयर बिटवीन द, ठीक है, इन्फिनिटी एंड पोल, है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका दिखाया गया है। यहाँ से एक रे आ रही है टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी, ये आपको दिखाया गया है ना डॉटेड लाइन से। फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बीम कहाँ पे जाती है, पास थ्रू द फोकस, बट इसमें फोकस से पास नहीं हो पाएगी, तो प्रोड्यूस किया हमने बैकवर्ड यहाँ पे, है ना। इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन क्या बनाएगा, इमेज, याद करिए आप लोग प्रीवियस क्लासेस में मैंने इस बात को डिस्कस किया है कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट दो रे का रिक्वायरमेंट होता है ना, और अगर ये रे रियली में मीट करें तो रियल इमेज, और रियली में मीट ना करें तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए क्या ये दोनों रे रियली में मीट कर रही हैं, क्या नहीं मीट कर रही हैं, रियली में मीट नहीं कर रही हैं। सो दिस इमेज इज नेचर ऑफ इमेज इज व्हाट, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल हो गया। और कैसी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट को देखकर बताएंगे, इरेक्ट बन रही है, और क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा कम, है ना, डिमिनिश्ड, ठीक है। और ये भी अगर मैं पूछूं कहाँ पे बन रही है, तो आप बता सकते हैं पोल एंड एफ के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में, ये भी तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बेसिक बातें कैसे इमेज बनती हैं बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, यूजेज क्या क्या हैं, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या यूजेज। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, है ना, लाइक कार, ट्रक, बसेस, टू सी द ट्रैफिक एट द बैक साइड, जो बैक साइड की ट्रैफिक देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लैंप्स, ठीक है। ये वाला जो आपको दिखा है रियर व्यू मिरर, अगर ये मिरर हटा दें तो बताओ क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। तो अपनी कार से आप लोग मिरर हटा सकते हैं, उसके बाद इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं करना है, है ना, बस ये बोर्ड की बातें बोर्ड पे रखनी है। कॉन्वेक्स मिरर यूज कहाँ कहाँ, रियर व्यू में यूज किए, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, अपनी ट्रैफिक को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो भी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की बची हुई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेक्चर को बैंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।